जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके फाइनल एग्जाम में मात्र मात्र यहाँ पे 8 दिन रह गए। ठीक है, मात्र 8 दिन रह गए हैं और इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वायरल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आता है बच्चा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th फाइनल एग्जाम इंग्लिश का, आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 अप्रैल 2024 में जो आपका एग्जाम होगा प्रथम पाली में अंग्रेजी का, उसी के लिए हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को लाइक करेंगे, यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पे यदि आता है 200 लाइक, इस वीडियो पे यदि आता है 200 लाइक तो इस वीडियो जो इसका पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो यहाँ पे आप देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 13 का पहला प्रश्न, वेयर वेयर द ओलंपिक्स गेम्स बोर्न, ओलंपिक्स गेम्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दे रखा है जापान, इंडिया, ग्रीस, नन ऑफ दिस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, ग्रीस होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओलंपिक्स गेम्स का जन्म ग्रीस में हुआ था। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स गॉड। यहाँ पे आपको खाली जगह में उचित शब्द भरना है, म्यू, जियोस, वर्क, नन ऑफ दिस। बताएंगे यहाँ पे सेकेंड में राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, सेकेंड का राइट आंसर बी होगा, ज्यूस। ज्यूस वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स गॉड। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर द ओलंपिक्स गेम हेल्ड, कितने वर्ष के बाद यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स खेला जाता है। ऑप्शन दे रखा है 4, 6, 7। बताइएगा। बिल्कुल सही बच्चा, 4 ईयर्स के बाद यहाँ पे खेला जाता है, जैसे कि खेला गया है 2012 में, तो नेक्स्ट खेला जाएगा 2016 में, यानी दो यहाँ पे 4 साल का इनके बीच गैप होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच इज द हाइएस्ट मेडल एमंग ओलंपिक्स गेम्स, ओलंपिक्स मेडल्स, ओलंपिक्स मेडल्स में सबसे हाइएस्ट मेडल्स क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, गोल्ड। गोल्ड मेडल सबसे हाईएस्ट मेडल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वेन वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड, पहला ओलंपिक गेम्स कहाँ खेला गया था। ऑप्शन दे रखा है 563 BC, 239 BC, 776 BC या 231 BC। बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, 776 BC, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चे आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट इज द पीरियड बिटवीन टू ओलंपिक्स कोर्ट, दो ओलंपिक्स के बीच जो पीरियड होता है, जो खाली समय गैप होता है, उसे क्या बोलते हैं, ओलंपिक्स, ओलंपियाड, ओलंप्स या फिर नन ऑफ दिस। जैसे मैंने बताया कि 2012 में ओलंपिक्स हुआ था, उसके बाद 2016 में होगा, तो इसके बीच का जो खाली समय है 13, 14, 15, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ओलंपियाड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट वाज गिवन टू द एंशियंट ओलंपिक्स विनर, प्राचीन ओलंपिक्स विनर्स को क्या दिया जाता था, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, फ्लावर एंड लीफ वृत्त। बताना है। हाँ, उन्हें फ्लावर और लीफ का वृत्त दिया जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वेयर वेयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेड, पहला विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था, 1991, 1923, 1924 या फिर 1992। बताएंगे बच्चा इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। बिल्कुल बच्चा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आप, पूरा देखिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द स्टेडियम ऑफ वाज डिस्ट्रॉयड इज एन अर्थक्वेक, स्टेडियम अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्रुसेल्स, ओलंपिया, वांगखड़े या फिर नन ऑफ दिस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, जो
यहाँ पर ओलंपिया स्टेडियम है वो अर्थक्वेक में यानी भूकंप के चलते डिस्ट्रॉय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेयर वेयर द 2016 ओलंपिक्स हेल्ड, 2016 का ओलंपिक्स कहाँ खेला गया था। विकल्प दे रखा है इंडिया, जापान, एथेंस, रियो। बिल्कुल सही बच्चा, रियो में खेला गया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डिड अखिल्स फेस लाइट अप, अखिल का चेहरा क्यों खिल उठा। लिखेंगे अखिल फेस लाइट अप एज हिज मदर सेड दैट दिस ईयर यू विल मेक रंगोली इन दिवाली। अखिल का चेहरा खिल उठा या चमक उठा, क्यों, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि इस बार की दिवाली में रंगोली तुम बनाओगे। ओके, नोट कर रहे हो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डिड आंग डिसाइड टू लीव हिज होम, आंग ने घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। तो लिखिए इसमें आंग डिसाइडेड टू लीव द हाउस बिकॉज ही फाउंड द जॉब ऑफ मेकिंग पपेट टू बोरिंग एंड वांटेड टू फाइंड हिज ओन फॉर्च्यून। आंग ने घर छोड़ने का निश्चय इसलिए लिया क्योंकि वो पाता है कि यह जो पपेट बनाने का जॉब है वो बहुत ही बोरिंग है और अपना भाई को आजमाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट एडवाइस डिड द सॉर्सर गिव द आंग, सॉर्सर ने आंग को क्या एडवाइस दिया। तो यहाँ पे लिखिएगा द सॉर्सर, यहाँ पे शुरू लेटर एस होगा, ठीक है, सी हो गया, यहाँ पे एस कर लीजिए। द सॉर्सर एडवाइजेस आंग इफ यू वांट योर वेल्थ टू ग्रो यू मस्ट लर्न द सीक्रेट ऑफ नेचर, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा विकास हो तो तुम्हें प्रकृति के रहस्यों को समझना होगा। लिख लीजिएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट एनी 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट्स आर इन हिज ड्रीम्स आर ऑल द फोक्स वेयर सिम्स अलाइक, देयर वाज नो चाइल्ड, देयर वाज नो मदर। लिख रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देता है When were the first summer Olympics and winter Olympics played respectively? पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पहला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया था, कब खेला गया था। लिखेंगे इसका आंसर में द फर्स्ट एडिशन ऑफ मॉडर्न समर ओलंपिक्स गेम्स वॉज हेल्ड इन 1896 इन एथेंस ग्रीस एंड द फर्स्ट ओलंपिक्स विंटर गेम्स इन 1924 इन चेमोनिक्स फ्रांस। ठीक है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथेंस में खेला गया था और पहला विंटर ओलंपिक्स 1924 में चेमोनिक्स फ्रांस में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बुक बैंक, बुक बैंक का क्या कंसेप्ट है। तो लिखिए यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ बुक बैंक इज टू प्रोवाइड स्कूल बुक्स टू चिल्ड्रेन हु कुड नॉट अफोर्ड देम। बुक बैंक का कंसेप्ट यह है कि जो भी बच्चे जिनके पास बुक खरीदने की यहाँ पे क्षमता नहीं है या फिर जो बुक नहीं खरीद सकते हैं उन्हें बुक्स प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ शुड वी मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक आवर लाइफ रिचर एंड बेटर। वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स बट आवर लाइफ मस्ट बी मैकेनाइज्ड। इफ वी कैन डू सो साइंस विल कंटिन्यू मेकिंग आवर लाइफ रिचर एंड बेटर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नेम टू क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोयम।
लिखिए, द पोइट्स वांट हिज कंट्री मैन इज इन यूनिटी एंड फियरलेसनेस देयर नेशन। तो बच्चा यह था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट टू। यदि आपने सेट वन वाली वीडियो नहीं देखा है तो सेट वन वाली वीडियो जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद।